कटिहार के कोढ़ा प्रखंड की फुलवरिया पंचायत के लोगों की कई वर्षों से चली आ रही एक बड़ी मांग आज पूरी हो गई। फुलवरिया पंचायत में खुल गया डाकघर। आज फुलवरिया पंचायत के मुखिया कुमारी रूबी ने विधिवत फीता काटकर व दीप प्रज्वलित कर यहां के पंचायत सरकार भवन में डाकघर का उद्घाटन कर दिया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। इस मौके पर प्रधान डाकपाल पटेल कुमार भी मौजूद रहे। पंचायत में डाकघर खुल जाने से अब स्थानीय लोगों को कहीं डाक भेजने के लिए दूर नहीं जाना होगा। साधारण डाक हो या रजिस्टर्ड डाक, अब स्थानीय लोग पंचायत सरकार भवन में खुले इस डाकघर में आकर बड़ी आसानी से अपनी डाक या रजिस्ट्री कहीं भी भेज सकते हैं। डाकघर के खुल जाने से स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की जनता को इतनी प्रसन्नता हुई है, जितनी प्रसन्नता पंचायत सरकार भवन बनने गांव के दूसरे विकास से होती है उससे हुई है, क्योंकि डाक की विश्वसनीयता तब भी थी, आज भी है और जब तक डाक खाना रहेगा तब तक रहेगा। धन्यवाद। आपका परिचय? मैं ललितेश्वर झा, सामाजिक कार्यकर्ता। पहले लोगों को यहाँ से करीब करीब 2.5 किलोमीटर जाना पड़ता था मड़वा, अपने बैंकिंग सुविधा के लिए, पोस्ट ऑफिस की सुविधा के लिए, किसी तरह का निबंधित चिट्ठी को लाने के लिए या कुछ भी इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन अब जो है कि उनके एक तरह से कहा जाए कि उनके द्वार पर हो गया, यानी कि घर द्वार जो होता है वो डिस्टेंस हो गया, यानी कि फुलवरिया के लोगों को ज़्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। उनको जो है कि घर के बगल में जो है कि जमा निकासी बैंकिंग सुविधा, किसी तरह की भी इंक्वायरी और चिट्ठी पत्री निबंधन करना, निबंधित चिट्ठी को मंगाना, ये सब सारी सुविधाएं लोगों को मिलेगी। सरकारी योजना से संबंधित किन किन योजना का लाभ मिल सकता है यहाँ पे? रेकरिंग डिपॉजिट है, सेविंग बैंकिंग डिपॉजिट है, ये सुकन्या समृद्धि खाता जो भारत सरकार के द्वारा चला जा रहा है वो लाभ ले सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एक डिपार्टमेंटल लोगों के लिए होता है, एम्प्लॉई लोगों के लिए, एक होता है रूरल क्षेत्र के लोगों के लिए, दोनों तरह का इंश्योरेंस इसमें चलता है। बहुत पुराने समय से चलता था, लोगों को जानकारी कम थी इसलिए कम खुल रहा था। परिचय आपका? मेरा नाम पटेल कुमार सिंह हुआ, ब्रांच पोस्ट मास्टर मड़वा।